हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सभी लोग जल्दी से जुड़िए, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे दोस्तों में, जल्दी से शेयर करिए। और ठीक है, मैं भी थोड़ा क्लास को शेयर कर लूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं भी क्लास को शेयर कर लूँ। सभी लोग जल्दी से क्लास को एक बार फटाफट से शेयर करेंगे दोस्तों में, फिर हम लोग चलेंगे आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की स्टडी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 25 प्रश्नों को। कितने? तो 25 प्रश्नों को रेगुलर की तरह, यानी कि रोज की तरह हम लोग भी देखेंगे आज भी 25 प्रश्नों को, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सभी लोग जुड़िए, एक बार क्लास को फटाफट से शेयर करेंगे बिना देरी किए हुए। और जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी को मिल सके। ठीक है, नोटिफिकेशन से ये होता है कि आपको जब वीडियो आपको कोई भी पढ़ता है, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो कोई भी वीडियो आपको पढ़ता है, कोई भी इंफॉर्मेटिव से रिलेटेड, तो उसमें आप लोग आसानी से, ठीक है क्या, उसमें आप लोग आसानी से आपको लिंक मिल जाता है, वीडियो का लिंक मिल जाता है और आपके YouTube में आ जाता है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए, तो बताइए वॉइस क्वालिटी क्लियर, वो वीडियो क्वालिटी क्लियर है कि नहीं? चलिए, मुझे लग रहा है वॉइस ठीक है, तो इसी पे क्लास को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करिए, और जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सारी चीजें क्लियर दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और जो लोग भी हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट विद सजेशन नए डाउनलोड किए हैं, तो टेलीग्राम को जरूर डाउनलोड करेंगे आप लोग। किसको? तो टेलीग्राम चैनल टारगेट विद सजेशन को डाउनलोड जरूर डाउनलोड करेंगे। और ऐप जो हमारा है, ऐप, ठीक है, ऐप भी हमारा टारगेट विद सर के नाम से है, तो उसको भी डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिलेगा, वहां से आप लोग, ठीक है, अग्नि बैच जो कि एनएम के लिए, ठीक है, एनएम के लिए, ठीक है, एनएम के लिए अग्नि बैच जो चल रहा है उसका फी कितना है? 1799, ठीक है, कितना है दोस्तों? तो 1799 फी है। जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि 1 दिसंबर से ही, ठीक है, 1 दिसंबर से ही आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है। इसमें सारा चीज आपको कवर करवाया जाएगा। और दूसरी बात ये रही, ऐप डाउनलोड करने से क्या फायदा है कि आपका जो चक्रव्यूह, ठीक है, एक हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है फ्री वाला, चक्रव्यूह टेस्ट सीरीज, ठीक है, ठीक है, चक्रव्यूह, ठीक है, चक्रव्यूह टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसमें फ्री रहता है, वीकली चलता है आपका, वीकली चलता है, फ्री रहता है, उसको आप लोग आसानी से ले सकते हैं, ठीक है, वहां से दे सकते हैं। और आप यदि अच्छा करेंगे तो आप इनाम भी पा सकते हैं, ठीक है, ये भी सोर्टी आपको कल ही, आप मतलब पिछले दिन, मतलब 2 दिन पहले सर ने बताया था शाम वाली क्लास में आपको 7 PM वाले पे, कि कितने लोग इस, ठीक है, इस वाले टेस्ट में जो सेकंड टेस्ट हुआ है, मॉक टेस्ट आपका हुआ है, ठीक है, अग्नि बैच वा, सॉरी उसका तो, सॉरी चक्रव्यूह बैच का, तो उसमें आपको सर ने बताया है कि कौन कौन टॉप किए हैं, उनको कुछ ना कुछ उनके घर भेजा जाएगा, उनके गिफ्ट के रूप में उनको दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग भी मेहनत करें और फर्स्ट रैंक लाने की कोशिश करें। चलिए, तो आगे बढ़े जी, हम लोग आगे बढ़े जी, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो पहला प्रश्न क्या रहने वाला है आज का, देखिए पहला प्रश्न, जल्दी से क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। और पहला प्रश्न बताइए, 1 वर्ष में 1000 जनसंख्या पर कुल मृत्युओं की संख्या को क्या? तो 1 वर्ष में, एक ईयर में 1000 जनसंख्या पर कुल मृत्युओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, ठीक है, मातृ मृत्यु दर या मृत्यु दर कहते हैं, या पेरोनेटल मृत्यु दर। तो सभी लोग जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है 1 वर्ष में 1000 जनसंख्या पे कुल मृत्युओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी कि मृत्यु दर कहा जाता है। ध्यान रखिए क्या कहा जाता है, सभी लोग आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सही दिया आप लोगों ने, ऑप्शन सी। जो लोग भी दे रहे हैं आप लोगों का बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन सी वालों लोगों का, ठीक है, और बाकी लोगों का गलत है। तो 1 वर्ष में, ठीक है, तो मातृ मृत्यु दर आपका नहीं कहा, पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कुल मृत्युओं की संख्या, 1 वर्ष में 1000 जनसंख्या पर कुल मृत्युओं की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर का भी जिक्र नहीं किया गया है, न मातृ मृत्यु दर का किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न सेकंड नंबर बताएंगे, जन्म को कैसे परिभाषित किया जाता है? जन्म दर को, सॉरी सॉरी सॉरी, जन्म दर को बताएंगे, और थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं, बताइए क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? सभी लोग बताएंगे, यानी कि बताइए क्या, तो जन्म दर को कैसे परिभाषित किया जाता है? आप लोग बताएंगे जन्म दर को, 1 वर्ष में कुल जन्मों की संख्या को, विशेष क्षेत्र में कुल जन्मों की संख्या, या
एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर कुल जीवित जन्मों की संख्या, या एक वर्ष में ठीक है 1,00,000 जनसंख्या पर कुल जीवित जन्मों की संख्या, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। और एक और क्वेश्चन जो मैंने पिछले दिन पूछा था आपसे, कल मैंने पूछा हुआ था, कल वाली क्लास में, ठीक है, तो उसको भी आप लोगों को बताऊंगा मैं लास्ट में। और देखो कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर किए हैं, ठीक है, ये भी देखना है, देखा हूं मैं कितने लोग किए हैं। तो जो भी प्रश्न आपको दिया जाता है टेस्ट के तौर पे, उसको आप लोग जरूर बताया करें। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, किसी का भी गलत नहीं, बिल्कुल सी सी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि क्या होगा, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, जो लोग भी सी दे रहे हैं, यानी कि एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर कुल जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहते हैं, जन्म दर, ठीक है, जन्म दर को कैसे परिभाषित करते हैं, यानी कि एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर कुल जीवित जन्मों की जन्म दर कहता है, कहते हैं एक वर्ष में 1000 के मृत्यु पर मृत्यु दर कहते हैं। सेम ही आपकी बात है, थोड़ा सा आपको पहचानना इसको कि कौन सी क्या है, ठीक है। तो आप लोग पहचान पाएंगे कि नहीं आसानी से, चलिए थर्ड नंबर को देखेंगे, बताइए मिजल्स वैक्सीन है एक, तो बताइए मिजल्स वैक्सीन कैसी है, जीवित वायरल वैक्सीन है, ठीक है, जीवित बैक्टीरियल वैक्सीन है, ठीक है, मृत वायरल वैक्सीन है, या मृत बैक्टीरियल वैक्सीन। तो सभी लोग बताइए कैसी है आपकी मिजल्स, मिजल्स बताएंगे, आंसर करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, मिजल्स वैक्सीन है, कैसी है, जीवित वायरल वैक्सीन है, जीवित बैक्टीरियल वैक्सीन, बिल्कुल वेरी गुड, सही आ रहा है आप लोग का आंसर, सही आ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीवित बैक्टीरियल वैक्सीन हो जाएगा, मृत वायरल वैक्सीन हो जाएगा, मृत बैक्टीरियल वैक्सीन, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी हो तो ठीक है, अजय सर ने कल 2 बजे आपकी क्लास लिया था, ठीक है, उसमें सारा डिटेल आपको बताया था ज्वाइनिंग से रिलेटेड सारा। तो क्लास में आप लोग, ठीक है, क्लास पे ध्यान दें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास में अपनी क्लास वाली चीजों पे ध्यान दीजिए, और बाद में पूछना हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, चलिए। और पीडीएफ भी सारा आप लोगों को सेंड हो गया था, ठीक है, कल मैंने कर दिया था, सारा पीडीएफ सेंड कर दिया था, रेगुलर वाला, और आज वाला भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, आज वाला भी सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन ए जो लोग भी दे रहे हैं, बिल्कुल सही आप लोगों का, यानी कि जीवित वायरल वैक्सीन हो जाएगा, क्या होगा, तो आपका हो जाएगा जीवित वायरल वैक्सीन, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जीवित वायरल वैक्सीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे बढ़े, बताइए सभी लोग जल्दी से आगे बढ़े, जीवित वायरल वैक्सीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए काफी लोगों ने सही दिया हुआ है, आप लोगों में से काफी लोगों ने सही दिया है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बताइए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत, जल्दी से आप लोग बताइए, देखते हैं कितने लोग राइट आंसर करते हैं आप लोगों में से, जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए, जल्दी से बताइए, आंसर करिए आप लोग, देखते हैं कितने लोग राइट आंसर करते हैं आप लोगों में से, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, चलिए बताइए, चलिए तो आगे बढ़ेंगे, फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, ठीक है, यानी कि पर्यावरणीय स्वच्छता, ठीक है, पर्यावरणीय स्वच्छता आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पर्यावरणीय स्वच्छता आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनवायरमेंटल हाइजीन, ठीक है, ठीक है, एनवायरमेंटल हाइजीन आपका राइट आंसर होगा, पर्यावरणीय स्वच्छता आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो बताइए एक बार सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट से, बिना देरी किए हुए जल्दी से आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए,
चलिए तो बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से, सॉरी निम्नलिखित में से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के तत्वों में शामिल नहीं है, पूछा गया है, शामिल है, सॉरी सॉरी शामिल है पूछा गया है, तो ध्यान रखिए। बताइए निम्नलिखित में से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के तत्वों में शामिल है, तो बताइए कौन कौन से शामिल है आपके, स्वास्थ्य शिक्षा, मात्र मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, आवश्यक दवाइयों का उपलब्ध कराना या उपरोक्त सभी। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर करिए फटाफट से, राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के तत्वों में शामिल है, तो बताएंगे क्या शामिल है, जल्दी से बताइए, स्वास्थ्य शिक्षा, मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, आवश्यक दवाइयां को उपलब्ध कराना या, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। तो सभी लोग जल्दी से बता दीजिए बिना देरी के, बताइए आप लोग जल्दी से, ठीक है, बताइए। और एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा मैं पीसी को चार्ज में भी लगा लूँ, क्योंकि इसका भी तो खाना पीना चाहिए, तो इसका भी टाइम, ठीक है, बैटरी लो बता रहा है। तो इसका राइट आंसर जो लोग भी ऑप्शन डी दे रहे हैं आप में से, बिल्कुल सही है, यानी कि शामिल कौन कौन से हैं आपके, तो कौन कौन से शामिल है, उपरोक्त सभी, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा, मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, आवश्यक दवाइयों को उपलब्ध कराना, ठीक है, आवश्यक दवाइयों को उपलब्ध कराना, ध्यान रखिएगा, आवश्यक दवाइयों को उपलब्ध कराना हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, सिक्स नंबर को देखेंगे, सिक्स नंबर को देखेंगे, और शेयर नहीं कर रहे आप लोग जल्दी से शेयर करिए, बताइए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तत्व नहीं है, तेरह तत्व नहीं है पूछा गया है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के का तत्व नहीं है। तो जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोगों की स्टडी चल रही होगी, ठीक है। तो आज, ठीक है, 25 प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, तो एक बार जल्दी से आप लोग शेयर करिए, जल्दी से क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए आप लोग दोस्तों में, बिना देरी किए हुए शेयर करेंगे, ठीक है, बिना देरी किए हुए शेयर करेंगे, और इसका राइट आंसर करेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के तत्व नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है इसमें, आंसर करिए दोस्तों क्या हो जाएगा। आंसर करिए आप लोग जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा नहीं है सिक्स का, आंसर करिए, तो कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, यानी कि अनुसंधान हो जाएगा, क्या अनुसंधान, यानी कि क्या पर्यावरण, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में, प्राइमरी हेल्थ, ठीक है, सर्विस में आपका कौन सा नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान आपका नहीं है राइट आंसर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम स्टेप, ठीक है, नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम स्टेप कौन सा है, आकलन है, पर्यवेक्षण है, मूल्यांकन है, क्रियान्वयन है, तो सभी लोग बताइए कौन सा नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम स्टेप है, जल्दी से बताएंगे, आकलन, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन या, ठीक है, क्रियान्वयन, सभी लोग बताएंगे असेसमेंट, सुपरविजन, ठीक है, या, ठीक है, इवेल्युएशन या इम्प्लीमेंटेशन, तो सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम स्टेप, सभी लोग जल्दी से बताइए। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग।
जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, सेवन का क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मूल्यांकन हो जाएगा, इवेल्युएशन हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम स्टेप है, तो कौन सा है दोस्तों, तो मूल्यांकन हो जाएगा, यानी कि इवेल्युएशन हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बताइए क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट कौन सा है, सभी लोग बताइए मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट कौन सा है, जल्दी से बताइए, कैल्शियम ग्लूकोनेट है, ठीक है, फेनिटोइन है, या कौन सा ऑक्सीटोसिन है, या इर्गोमेराइटिन है, तो सब लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा है, जल्दी से आप लोग आंसर करिए। जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा यहां पे, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा, एंटीडोट पूछा गया, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट, तो बताइए आप लोग। और एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करिए, बिना देरी किए हुए शेयर कर दीजिए आप लोग, प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करिएगा। ठीक है, जल्दी से शेयर करिए आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट हो जाएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है, तो कौन सा है आपका मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, नाइन्थ नंबर, नाइन्थ नंबर बताएंगे कौन सी महिलाओं में सबसे सामान्य तथा आदर्श पेल्विस है, बताएंगे कौन सी महिलाओं में सबसे सामान्य तथा आदर्श पेल्विस कौन सी है, तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, सभी लोग जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन बी, यानी कि गायनेकोइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो गायनेकोइड हो जाएगा, जो कि महिलाओं में सबसे सामान्य तथा आदर्श पेल्विस है, कौन सा है, तो गायनेकोइड जो कि महिलाओं में सबसे सामान्य तथा आदर्श पेल्विस है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा लेबर का इंडक्शन इंडिकेशन नहीं है, लेबर का इंडक्शन इंडिकेशन नहीं है, तो बताइए कौन सा है, देखते हैं कितने लोग राइट आंसर करते हैं इसका, जल्दी से आप लोग बताइए कितने लोग राइट आंसर करते हैं इसका, तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग। सभी लोग बताइए आंसर करिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दे रहा है, ठीक है, वेरी गुड दोस्तों, सही देने लग रहे हैं आप लोग, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, तो आपका कौन सा एक्लेम्पिसिया नहीं है, पोस्ट मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस नहीं है, अपोली हाइड्रोमिनोस नहीं है, तो सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी होगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस जो कि लेबर का इंडिकेशन का, ठीक है, इंडक्शन का इंडिकेशन नहीं है, ठीक है, लेबर के इंडक्शन का इंडिकेशन नहीं है, कौन सा आपका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब लोग जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, बताइए तो क्या हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, छोड़िए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, इलेवेंथ को देखते हैं, बताएंगे डी एंड ई का कॉम्प्लिकेशन, सभी लोग बताइए डी एंड ई का कॉम्प्लिकेशन, सभी लोग बताएंगे,
सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। डी एंड ई का कॉम्प्लिकेशन आपको बताना है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। क्या हो जाएगा डी एंड ई का एप्लीकेशन कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये सभी हो जाएंगे आपके। क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। डी एंड ई का कॉम्प्लिकेशन अत्यधिक उत्साह, ठीक है, सेप्सिस या क्या हो जाएगा, ठीक है, सेप्सिस हो जाएगा यानी कि या परफोरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। डी एंड सी के कॉम्प्लिकेशन ये सभी आपके हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, देखिए सेकंड का क्या, ट्वेल्थ का बताइए, एपिजियोटॉमी का इंडिकेशन है, बताइए एपिजियोटॉमी का इंडिकेशन क्या है? सभी लोग बताएंगे एपिजियोटॉमी का इंडिकेशन क्या है? पेरिनियम का रिजिडोना, ठीक है, पेरिनियल टीयर की संभावना या फोर्सेप डिलीवरी या उपरोक्त सभी। तो ट्वेल्थ का यहाँ पे तो आप लोग सभी लोग आंसर सही करेंगे, यहाँ पे तो आप लोग सभी लोग आंसर करेंगे, यानी कि डी आप लोगों की आना शुरुआत, डी आपका आना शुरुआत हो गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि एपिजियोटॉमी का इंडिकेशन है, तो कौन सा है आपका, ध्यान रखिएगा, एपिजियोटॉमी का इंडिकेशन कौन सा है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि पेरिनियल का रिजिड, ठीक है, और पेरिनियल टीयर की संभावना हो या फोर्सेप्स डिलीवरी, ये सभी आपके राइट आंसर होंगे। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, समान, ठीक है, ठीक है, समान एपिजियोटॉमी लेबर की किस स्टेज में की जाती है? तो बताइए समान एपिजियोटॉमी लेबर किस स्टेज में की जाती है? तो सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, ठीक है, थर्ड या द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या सेकेंड। तो सभी लोग बताइए समान एपिजियोटॉमी लेबर की स्टेज में की जाती है, किस स्टेज में की जाती है? तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, यानी कि द्वितीय स्टेज में। कब? तो द्वितीय स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़िए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एक बच्चे में विश्रमतीत आना कब शुरू होता है? तो सभी लोग बताइए एक बच्चे में विश्रमतीत आना कब शुरू होता है? तो सभी लोग बताएंगे विश्रमतीत, बताइए विश्रमतीत आना कब शुरू होता है? तो ये चीज मैंने आपको बताया था इससे दो क्लास पहले मैं सारा आपको दांत के, ठीक है, तीत के बारे में, ऊपर वाला दांत कौन सा नीचे, कब कौन आता है, कब कौन नहीं आता है, तो सब मैं बताया था आपको, तो ध्यान रखिएगा, उसको जाके एक बार देखिएगा आप लोग, वीडियो में सारा पढ़ा है अच्छे से। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ना, कौन सा, 17 से 21 वर्ष एक बच्चे में, ठीक है, विश्रमतीत आना कब शुरू होता है? तो 17 से 21 वर्ष के एज में शुरू होता है, ठीक है जी। तो चलिए जी आगे बढ़िए, और सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करिए, शेयर नहीं करते हैं आप लोग, देखिए बार बार कहना पड़ता है आप लोगों को, एंड वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, बताइए। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? और सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, और चलिए चलिए बताइए क्या हो जाएगा, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइए, आसान क्वेश्चन, बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है, सभी बच्चों का टीकाकरण करना, उचित एमसीएच सेवाएं प्रदान करना, या ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस में सुधार लाना, या क्या हो जाएगा, परिवार नियोजन संबंधी सेवाएं प्रदान करना। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जितने भी लोग कर रहे हैं, देखिए कितने लोगों का राइट आंसर आता है, देखते हैं कितने लोगों का आप में से राइट आंसर आता है इसका, तो देखते हैं कितने लोगों का आता है। तो क्या होगा यहाँ पे आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा ना, क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस में सुधार लाना, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, प्रैक्टिस में सुधार लाना आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बताइए एक बच्चे द्वारा नहीं खाने योग्य, ठीक है, नहीं खाने योग्य वस्तुओं जैसे कि मिट्टी, चौक, पेंट, पेंसिल आदि को खाना कहलाता है? तो ये मैंने बताया था एक दिन, आप लोगों ने काफी बताया भी था कि हम मिट्टी खाते हैं, हम चौक खाते थे, तो सभी ने अपना बताया था क्वालिटी कि क्या क्या आप लोग खाते हैं, तो आज भी आप लोग बता दीजिए कि कौन क्या क्या खाता है, ईमानदारी से सभी को बताना है, ईमानदारी से सभी को बताना है, देख लीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा नहीं तो फिर से आदत लग जाएगी, ठीक है, झूठ बोलेंगे तो फिर से आदत लगेगी आपको, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, तो झूठ बोलेंगे तो होता है ना कि झूठ बोले कौवा काटे, वही होगा आपके साथ, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, एक बच्चे के द्वारा नहीं खाने योग्य वस्तुओं जैसे कि मिट्टी होती है, नहीं खाया जाता है, चौक, पेंट्स, पेंसिल, ठीक है, पेंट्स पेंट होता है ना जो दीवारों पर,
उसको कहा जा रहा है। और पेंसिल का नोक, पेंसिल का नोक आप में से काफी लोगों ने खाया होगा, ग्रेफाइट जो होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो पीका कहा जाता है, ध्यान रखेंगे पीका कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, पीका कहा जाता है दोस्तों। ठीक है जी, आगे बढ़े, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करिए, बार बार कहना ना पड़े आप लोगों को। बताएंगे निम्न में से, ठीक है, निम्न में से अस्थमेटिक अटैक के लिए जिम्मेदार सबसे प्रमुख कारण कौन सा है, और जितना भी आपका क्वेरी से रिलेटेड है तो उसको आप लोग, कल अजय सर ने क्लास लिया था उसमें सब बताया था 2 बजे, तो उसमें सारा आप लोग देख लेंगे, ठीक है, कल अजय सर वाला क्लास देख लीजिएगा कि ज्वाइनिंग वगैरह सारा उसमें आपने बताया अजय सर ने, जो भी हो सारा वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो कुछ लोगों को लगेगा कि बात ही कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगेगा कि, इसीलिए मैं थोड़ा सा आज कमेंट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और काफी लोगों को लगेगा कि बातें ज्यादा हो रही हैं, तो उसीलिए, ठीक है, चलिए तो देख भी रहा हूँ कमेंट आप लोगों का। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस्थमेटिक अटैक के लिए जिम्मेदार सबसे प्रमुख कारक, तो सबसे प्रमुख कारक क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका, एलर्जी है, तनाव है, अत्यधिक थकान है, या श्वास नली में संक्रमण। बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि श्वास नली में संक्रमण होगा। बिल्कुल वेरी गुड, श्वास नली में संक्रमण हो जाएगा आपका, राइट आंसर, बिल्कुल वेरी गुड, आपने बताया है सही। चलिए आप लोगों ने सही बताया है, बिल्कुल, तो एक बार सभी लोग पहले शेयर करिए क्लास को। ठीक है, एक बार सभी लोग पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, बिना देरी किए हुए शेयर करेंगे। चलिए बिना देरी की वो क्लास को शेयर करेंगे, चलिए आगे बढ़िए। तो 17 प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं, 18वें की तरफ बढ़ते हैं, बताएंगे शिशु एवं बच्चे, ठीक है, शिशु एवं बच्चों का सबसे कॉमन ब्लड डिसऑर्डर है, तो बताइए कौन सा है सबसे कॉमन ब्लड डिसऑर्डर, सभी लोग बताएंगे एनीमिया है, हीमोफीलिया है, ल्यूकेमिया है, या आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी है, तो सभी लोग बताएंगे जल्दी से कि, ठीक है, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, तो सभी लोग बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, शिशु के शिशु एवं बच्चों में सबसे कॉमन, ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर कौन सा है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और राइट आंसर भी आप लोगों का सही आने लग रहा है, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। और जितने भी लोग क्लास में देरी से जुड़ते हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, क्लास में जितने भी लोग लेट से जुड़ते हैं, तो जितने भी प्रश्न आपके छोटे होते हैं, तो उसको आप लोग जरूर रिवाइज कर लिया करें, ठीक है, उसको आप लोग जरूर एक बार वीडियो को देख लिया करें, ठीक है, देख लिया करें, आपके लिए काफी फायदा होगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, और सारे प्रश्न इंपोर्टेंट रहते हैं, प्रीवियस ईयर के रहते हैं, तो ये भी आपको जरूरी है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, थ्योरी के साथ साथ, ठीक है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आप लोग देखें, आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रोल निभाता है आपके, ठीक है, आपके सिलेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन ए, एनीमिया होगा ना आपका, ठीक है, एनीमिया हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, एनीमिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एनीमिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न क्या होगा बताएंगे, 19 का, एक शिशु को फोटोथेरेपी देते समय रखी जाने वाली सावधानियों में शामिल नहीं है, तो आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें, कौन सा सावधानियों में शामिल नहीं है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, ठीक है, और बताइए आप लोग भी देख रहे हैं ठंडी का माहौल आ गया है, तो बताइए एक फोटोथेरेपी देते समय रखी जाने वाली सावधानियों में शामिल नहीं है, तो बताइए एक शिशु को फोटोथेरेपी देते समय रखी जाने वाली सावधानियों में शामिल क्या नहीं है, शिशु को पूरी तरह नग्न होना चाहिए, शिशु की पोजीशन बार बार बदले, प्रत्येक 2 घंटे बाद शिशु का तापमान ले, ठीक है, या शिशु को नंगा रखें परंतु आंख एवं जननांगों को ढक दे, तो सभी लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, तो बताइए सभी लोग जल्दी से क्या हो जाएगा, आंसर करिए, तो बताइए आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से क्या हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट में पीछे हट जाता हूं, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को, कोई नहीं, चलिए अब दिखेगा, अब दिखेगा, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप लोग कह रहे हैं ज्यादा, तो चलिए मैं साइड हो जाता हूं, चलिए तो बताइए क्या हो जाएगा, पूरी तरह नंगा होना चाहिए, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह नंगा होना चाहिए, क्या हो जाएगा, पूरी तरह नंगा आपका होना चाहिए बच्चा, ठीक है, बस आंख ढकी होनी चाहिए उसकी, आंख ढकी होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंख ढकी होनी चाहिए ताकि लाइट ज्यादा ना लगे, ठीक है, लाइट ना, एक बार बताइए सभी लोग की लाइट कितने होते हैं फोटोथेरेपी में,
फोटोथेरेपी देते समय उसमें कितने लाइट लगे होते हैं, और 6 से, मतलब मुझे लग रहा है 6 से 8 लाइट होते हैं, और कलर भी उसका डिफरेंस होता है क्या, तो कलर में भी तो कुछ डिफरेंस आता है ना, तो वो भी ध्यान रखना है आपको, कलर में भी डिफरेंस आता है। चलिए तो आगे बढ़िए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 20 नंबर का बताइए, ठीक है, आरबीसी ब्रेकडाउन, रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन पर कौन सा उत्पाद बनता है, तो ये मैंने बताया है कई बार आपको, तो बताइए आरबीसी ब्रेकडाउन पर कौन सा उत्पाद बनता है, तो सभी लोग बताएंगे कौन सा उत्पाद बनता है, जल्दी से बता दीजिए, एल्बुमिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, बिलिरुबिन या इंसुलिन, तो सभी लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, ठीक है, आरबीसी के ब्रेकडाउन पे कौन बनता है, तो सभी लोग जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, और क्लास को जल्दी से शेयर करिए आप लोग, लापरवाही जो लोग कर रहे हैं, लेट में आ रहे हैं, देख लीजिएगा आप ही के लिए नुकसान होगा बाद में, ठीक है, लापरवाही ना करें, 9 बजे से क्लास है तो 9 बजे आप लोग जरूर जोड़ा करें, ठीक है, 9 बजे 1-2 मिनट लेट तो चलता है, लेकिन इतना लेट, ज्यादा लेट आएंगे, कोई कोई 20 प्रश्न पे आता है, तो कोई कोई जब क्लास खत्म होने वाला होता है तब काफी लोग जुड़ते हैं, देखिएगा आप लोग तब काफी लोग जुड़ते हैं, तो उनसे आप लोग बचिए प्लीज सभी लोग, ठीक है, इस सब चीजों से बचिए, क्योंकि अभी आपकी लापरवाही आपको आगे नुकसान पहुंचा सकती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी होगा ना, क्या होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बिलिरुबिन होगा, ठीक है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, बताइए कौन सा कलर, चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग रखूंगा, आपके अकॉर्डिंग अभी नहीं रखूंगा कलर, चलिए तो अपने अकॉर्डिंग में रख लिया हूँ ऑप्शन सी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों के लिए कलर ये काफी महत्वपूर्ण है, सॉरी काफी फेवरेट कलर है आप लोगों का ये वाला, ठीक है, एक ये वाला कलर, एक ये वाला कलर, ठीक है, और एक तीसरा ये वाला कलर जो होता है आप लोगों के लिए काफी फेवरेट होता है ना, पिंक, पिंक, डार्क पिंक, लाइट पिंक, ऐसे होता है आप लोगों का, ठीक है, चलिए तो हमारा तो कुछ भी चलता है लेकिन जरूरी भी है रहना चाहिए, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा बिलिरुबिन। चलिए आगे बढ़िए, 21 को देखेंगे, बताएंगे निम्न में से कौन सा मूड स्टेबलाइजर का उदाहरण है, ठीक है, बताइए मूड स्टेबलाइजर का उदाहरण कौन सा है, सभी लोग बताइए मूड स्टेबलाइजर का उदाहरण, सोडियम, ठीक है, वोल्प्रोएट है, ठीक है, कार्बामाज़ेपिन है, ए एंड बी दोनों है, या एमिकोसिन है, तो सभी लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा क्या आपका, हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए व बी दोनों, क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा फास्ट बढ़ेंगे, सेकंड 22 को देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन साइकोसिस के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है, तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन साइकोसिस के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है, ठीक है, इनसाइट का अनुपस्थित होना, ठीक है, मरीज को वास्तविकता का ज्ञान होना, या व्यक्तित्व में अत्यधिक डिस्टर्बेंस, या ऑप्शन डी शारीरिक लक्षणों, ठीक है, चारित्रिक लक्षणों जैसे हेलुसिनेशन एवं डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एवं डिल्यूजन की उपस्थिति, तो बताइए क्या हो जाएगा निम्न में से कौन सा कथन साइकोसिस के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है, क्या, तो ये देखिए ना पूरा नहीं करता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये तो आप लोग देख लिए कि साइकोसिस का पूरा करता है क्राइटेरिया, यहाँ देखिए फटाक से ऑप्शन लगा दिए, ठीक है, तो ये गलत है आप लोगों का, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और लास्ट में आपका नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया है के अतिरिक्त देता है, के सिवाय देता है, तो इन सब चीजों को आप लोग ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये काफी अलग ही भूमिका निभाते हैं, ठीक है, तो आपका तुरंत 1 नंबर या 1 नंबर से ज्यादा जाएगा, ठीक है, 1 नंबर और 0.25 नंबर, ठीक है, देखिए कितना नंबर आपका चला गया, 1 क्वेश्चन कटेगा, तो उसीलिए थोड़ा सा ध्यान देके थोड़ा लेट आंसर करें, लेकिन करें, आपके पास टाइम काफी होता है। चलिए तो मरीज को वास्तविकता का ज्ञान होना, ठीक है, मरीज को वास्तविकता का ज्ञान होना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, 23 बताएंगे, एक मरीज को समूह में खाना खाने की वजह से डर का अनुभव होना कहलाता है, मरीज किस रोग से पीड़ित है, तो सभी लोग बताएंगे, ठीक है, एगोरोफोबिया बताइए क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया तो पानी से डर होता है, एगोरोफोबिया क्या होता है सभी लोग बताइए, ठीक है, सभी लोग बताएंगे, यदि आप लोग कहेंगे तो फोबिया वाली क्लास, लेकिन फोबिया वाली क्लास बीच बीच में मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है, बीच बीच में करवा दूंगा, उसकी स्पेशल क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी मैंने बताया था एगोरोफोबिया, ठीक है, हाइड्रोफोबिया पानी से डर होता है आपका, ठीक है, चलिए तो वो सब सारी चीजें मैं बीच बीच में आपको करवाया करूंगा, तो टेंशन ना लीजिए उसकी आप लोग, ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सोशियल फोबिया, सोशियल फोबिया, सोशल देख पा सकते हैं आप लोग, सोशल क्या होता है, सोशल होता है ना, जैसे जहां लोगों की भीड़,
ठीक है, लोगों को भीड़, सोशल मीडिया जैसे कहा जाता है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, ठीक है, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ये सब व्हाट्सएप हो गया, तो जहां लोगों की भीड़ होती है उसे सोशल कहा जाता है। तो वही सेम बात है, सोशल फोबिया कहेंगे तो, ठीक है, बेवजह डर, खाना खाने में बेवजह डर का अनुभव होता है, तो उसे क्या कहेंगे आपको, सोशल फोबिया। ठीक है, समूह में देखिए, समूह दिया गया ना, तो वही बात है कि जहाँ देखिए गांव में शादियां होती है, चाहे मैरिज हॉल में शादियां होती है, तो वहां पे 100 लोग हो जाते हैं, 500 लोग जाते हैं, तो वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। चलिए आगे बढ़िए, क्या आ जाएगा ओसीडी का। देखिए ओसीडी का सबसे कॉमन क्लिनिकल सिंड्रोम कौन सा है, तो ओसीडी का कॉमन सिंड्रोम बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। ठीक है बताइए, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ठीक है, डिसऑर्डर, ओसीडी का कॉमन सिंड्रोम कौन सा है, तो जल्दी से आप लोग बताइए, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है आपका, ध्यान रखिएगा। और क्या हो जाएगा बताएंगे, क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वासर्स हो जाएगा, क्या, ओसीडी का यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का सबसे कॉमन सिंड्रोम कौन सा है, तो वासर्स, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। और ये था आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो लोग भी ऑप्शन बी दिए हैं आप लोगों का बिल्कुल सही दोस्तों, वेरी गुड, काफी अच्छा आप लोगों का स्कोर रहा है आज, ठीक है, क्वेश्चन भी थोड़ा सा इतना आसान नहीं रहे हैं, लेकिन काफी अच्छा रहा है आप लोगों का स्कोर आज, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न और लास्ट एंड फास्ट, लास्ट एंड फास्ट, किसी भी विशेष वस्तु या स्थिति से बेवजह का डर कहलाता है, तो ये भी देखिए फोबिया, सेम बात वही होता है, फोबिया होता है, ठीक है, तो कोई भी क्लास छोड़ के अभी जाएगा नहीं, कोई भी क्लास छोड़ के जाएगा नहीं। और लास्ट एक क्वेश्चन था उसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, लास्ट डे आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ था, कल मैंने किया था टेस्ट के तौर पर देने के लिए, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी विशेष वस्तु या स्थिति से बेवजह का डर क्या कहलाता है आपका, तो फोबिया कहलाता है, ठीक है, ना कि एंग्जायटी, जेनोफोबिया, ओसीडी, ठीक है, तो ये होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है ना, फोबिया आपका होता है, ठीक है, डर, किसी भी विशेष वस्तु या स्थिति से डर, जैसे कि अभी मैंने आपको दिया था ना सोशियल फोबिया, यानी कि समूह में खाने से डर, तो वही होता है फोबिया, लास्ट में लग जाएगा तो समझिए कि डर वाली बात हो गई, फोबिया यदि लास्ट में लगा है तो समझिए कि डर वाली बात हो गई, तो उसको डरा की तरह आप लोग करेंगे। चलिए वो लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, कल वाले लास्ट वाले क्वेश्चन को दोस्तों, ठीक है, कल वाले लास्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ना ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिया था, उदर के भाग मैकबर्नी बिंदु को, ठीक है, उदर के किस भाग में मैकबर्नी बिंदु होता है, तो काफी लोगों ने किया भी था आंसर, ठीक है, काफी लोगों ने आंसर किया भी था, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो काफी लोगों ने आंसर किया भी था, काफी लोगों ने नहीं किया था, तो आपको जब भी ऐसा दिया जाए तो आप लोग जरूर करें, आप ही के लिए दिया जाता है, क्योंकि आपको भी फायदा होगा उससे, क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा उससे आप लोगों को, क्या फायदा होगा जब आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो आपको याद रहेगा, ठीक है, यदि आप कोशिश करिए कि कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो जरूर ऐसे लिखने की कोशिश करिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में यदि आप लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखने की कोशिश करिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, निचला दाहिना हो जाएगा, निचला दाहिना, निचला दाहिना, ठीक है, उधर के किस भाग में मैकबर्नी बिंदु होता है, तो निचले दाहिने भाग में होता है उधर के, ठीक है, निचले दाहिने भाग में होता है मैकबर्नी बिंदु, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका, ठीक है, क्या रहा, ये रहा आपका 25 प्रश्न, ठीक है, और एक आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो जो लोग भी वीडियो को, ठीक है, लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है उसमें आपको शेयर करिएगा, ठीक है, और धन्यवाद एक बार सभी लोगों को जितने भी लोग क्लास में जुड़े थे, और बीच बीच में क्लास को आप लोग शेयर भी कर दिया करिए जितने भी आपके पास ग्रुप है, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। यह हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट भी था सर, और ऐप भी हमारा प्ले स्टोर पर टारगेट भी था सर, ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप लोग 1 दिसंबर से जो आपका अग्नि बैच शुरू हुआ है, ठीक है, एनम के लिए, तो उसको 1799 में परचेस कर सकते हैं ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है, या 94 15 15 60 70 53, ठीक है, 94 15 60 70 53 पे आप लोग कर सकते हैं कॉन्टेक्ट, ठीक है, या दूसरा आपका चक्रव्यूह, ठीक है, चक्रव्यूह जो आपका टेस्ट है, ठीक है, वो आपका स्टार्ट हुआ है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, दो फायदा होंगे, और टेलीग्राम भी आप लोग जरूर जाएंगे।
ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जितने भी लोग क्लास में जुड़े थे आपको दिल से धन्यवाद, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे कभी भी, ठीक है। चलिए हैव ए ग्रेट डे, अपना और अपनों का ख्याल रखें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।